हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। आज हम जो पेपर पहले अपलोड किया था उसका सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट 100 क्वेश्चंस हिंदी के। पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो इसमें जो है फैनिल जो है वो फैन से बना है, धूमिल धूम से बना है, लौकिक जो है लोक से बना है, लेकिन जो लास्ट वर्ड है प्राथमिक, ये संज्ञा से नहीं बना हुआ विशेषण है। तो इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? इसका आंसर बी सही है, शुभंकर। अगला है, निम्न में संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण है? तो संज्ञा से बना हुआ है अभिमुख। भुलक्कड़ जो है वो क्रिया है, भूल से बना है भुलक्कड़। वैसा जो है वो सर्वनाम से बना है, और नास्तिक जो है वो उपसर्ग और प्रत्यय लगे हैं इसमें, अस्थि में न और क, तभी नास्तिक बना है। अगला है, संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है? इसका आंसर है सी, नमकीन। इसमें इन प्रत्यय जोड़ा है नमक में। अगला है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो इसका आंसर है डी, मोर नाचता है, ये अकर्मक क्रिया है। बाकी सब में हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। जब क्या हो रहा है का पता चलता हो तब सकर्मक क्रिया होती है, और जब इसका पता नहीं चलता हो तो अकर्मक क्रिया होती है, यानी कि कर्ता की प्रधानता रहती है और कर्म जो है इसमें गौण होता है। अगला है, किस क्रमांक में प्रेरणार्थक क्रिया है? तो इसका आंसर पहला है, अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। जब कोई काम किसी की प्रेरणा से हो तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जिसमें इसमें अध्यापक के पढ़वाने से छात्रों ने पुस्तक पढ़ी है उसके कहने से। नेक्स्ट है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इसका आंसर सी हो जाएगा, रमेश सो चुका है। अगला है, संजय बहुत देर से टहल रहा है, में कौन सी क्रिया है? तो इसमें अकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? इसका आंसर बी सही है, उससे फल नहीं खाए गए। भाववाच्य क्रिया जो है भाव की प्रधानता दिखाता है, इसमें कर्म और कर्ता जो है उनका इतना महत्व नहीं होता जितना कि भाव का होता है। और इसमें जो है निषेधात्मक वाक्यों के लिए होता है ये, और इसमें अकर्मक क्रिया आती है। अगला है, वाच्य का प्रकार बताएं। हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है। इसमें है कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता है, इसमें कर्ता नहीं है, इसमें भाषा बोली जाती है, तो ये कर्मवाच्य है। अलग नेक्स्ट है, भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर है सी, हितेश से खाना नहीं खाया जाता, इसमें अकर्मक क्रिया है, खाना। अगला है, कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य है। इसका आंसर है सी, किसानों द्वारा फसल काट ली गई है, इसमें कर्म की प्रधानता है, इसलिए ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है, धनुष टंकार में कौन सी संधि है? तो इसमें है धनु प्लस टंकार, विसर्ग संधि। धनुष टंकार में इसमें विसर्ग जो है वो श में बदल गया है, इसलिए वो धनुष टंकार हो जाएगा। अगला है, मनोहर में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है, इसमें मना प्लस हर, मनोहर हो जाएगा। अगला है, किस शब्द में संधि नहीं संयोग है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रतिज्ञा। दुष्कर्म में दु प्लस कर्म है, दुष्कर्म। उल्लेख में उत प्लस लेख, उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है, इसकी संधि हो जाएगी, संधि विच्छेद हो जाएगा, बहि प्लस अंग। विसर्ग जो है वो र में बदल जाएगा अ के आने से, बहिर रंग हो जाएगा ये। अगला है, उच्छिष्ट
शब्द का संधि विच्छेद है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, उत प्लस शिष्ट। नेक्स्ट है, अन्योन्य शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अन्य प्लस अन्य, ये विसर्ग संधि है। वर्षा प्लस ऋतु का शुद्ध संधि युक्त पद है, इसका आंसर ए हो जाएगा, वर्ष ऋतु। संकटापन शब्द में समास है, इसका आंसर ए सही है, कर्म तत्पुरुष, संकट को प्राप्त या आपन। 20-25 सामाजिक पद में, सामासिक पद में समास है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा, वैकल्पिक द्वंद, क्योंकि इसमें 20 या 25 ऐसा आएगा इसमें, इसलिए इसमें वैकल्पिक द्वंद आंसर है। नेक्स्ट है, महापुरुष में कौन सा समास है, तो इसका आंसर है डी, कर्मधारय, महान है जो पुरुष। रेल भाड़ा का सही समास कौन सा है, इसका आंसर बी है, तत्पुरुष, संप्रदान, रेल के लिए भाड़ा। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है, तो इसका आंसर है डी, बहुव्रीहि समास, जिसमें दोनों पद जो है वो अप्रधान हो। अधिकरण तत्पुरुष समास को की विशेषता है, इसका आंसर है बी, दूसरा पद प्रधान होता है इसमें। शताब्दी शब्द में समास है, इसका आंसर बी है, द्विगु, क्योंकि द्विगु जो है वो संख्यात्मकता को बताता है, इसमें शताब्दी है यानी कि 100, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है, इसका आंसर है डी, इसमें आ उपसर्ग लगा है। अगला है, किस शब्द में अध उपसर्ग नहीं लगा है, तो इसका आंसर है ए, अधर्म, धर्म के आगे अ लगा है इसलिए अधर्म हो गया, बाकी सब में अध उपसर्ग लगा है, अध मरा, अध पका, अध जला। अगला है, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर अर्थ उलट जाता है, तो जय में हम कौन सा उपसर्ग लगाएंगे जिससे इसका अर्थ उलट जाएगा, आंसर है डी, परा, परा लगाएंगे तो ये पराजय हो जाएगा, जिसका मतलब होता है हार। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो संस्कार में सम उपसर्ग लगा है, पुरस्कार, सम पुरस्कार, संस्कार, म जो है वो न में बदल जाएगा। अगला है, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, इसका आंसर है अ, प्रोन्नति, इसमें एक से ज्यादा उपसर्ग लगे हुए हैं। परि उपसर्ग किस अर्थ का द्योतक है, तो इसका आंसर है अ, चारों ओर, परि का अर्थ होता है चारों ओर। प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है, प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग लगा है, प्रति प्लस इष्ठा। निम्नांकित में से कौन सा क्रंदत है, शब्द क्रंदत है, तो इसका आंसर है सी, भिड़ंत। क्रंदत शब्द वो होते हैं जब हम धातु के साथ प्रत्यय लगाते हैं तब क्रंदत शब्द बनते हैं। नेक्स्ट है, किस शब्द में तथित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर है सी, मधुरिमा। तथित प्रत्यय तब बनते हैं जब हम विशेषण या संज्ञा के साथ प्रत्यय लगाते हैं और शब्द बनते हैं, तो उन्हें बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट है, निम्न में से क्रंदित प्रत्यय है, तो इसका आंसर है डी, लेखक, लेख से बना है लेखक, लेख जो है धातु है। मूल शब्द, किस क्रमांक में मूल शब्द और प्रत्यय सही सही अलग हैं, इसका आंसर है बी, बचपन, इसमें बच प्लस पन, बच जो है वो मूल शब्द है और पन जो है प्रत्यय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, बनेला शब्द में प्रत्यय है, तो बनेला में प्रत्यय है एला, इसका डी सही है, एला। मानसिक शब्द बना है, इसका आंसर डी सही है, मनस प्लस इक, मानसिक। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में कटक और कंटक शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, तो कटक होता है सेना और कंटक होता है कांटा, फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। किस क्रमांक में श्वेत और स्वेद शब्द का
युग में सही अर्थ है। तो सफेद जो है वो श्वेत होता है, और पसीना जो होता है उसका अर्थ होता है स्वेद। किस क्रमांक में कुल और कूल शब्द का युग्म सही अर्थ भेद है? इसका आंसर है डी, वंश और किनारा। किस क्रमांक में कुलंत और कुंतल कुंडल शब्द का युग्म सही अर्थ भेद है? तो कुंतल का मतलब होता है केश, और कुंडल होते हैं कर्णाभूषण जो कानों में पहने जाते हैं। नेक्स्ट, केतु और केतु शब्द युग में सही अंतर है। तो इसका केतु का मतलब होता है छोटे ऊ वाले का झंडा, और बड़े ऊ की मात्रा आ जाए तो नक्षत्र। तोष और तोष शब्द का सही अर्थ है हिंसा और प्रसन्न। जो धन देता है के लिए एक शब्द है धनद। जो व्याकरण जानता है व्याकरण। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अगोचर। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो इसके लिए है अपरिग्रह। अगला है प्रतिघात शब्द किसका विलोम शब्द है? तो यह आघात का। सन्यासी शब्द का विलोम है गृहस्थ। ध्वंस शब्द का विलोम बताइए। तो इसका होगा निर्माण। ध्वंस का मतलब होता है विनाश करना या विध्वंस। अज्ञ का विलोम है, इसका आंसर है डी, भिज्ञ। अज्ञ का मतलब होता है जिसे पता ना हो, जो जाना जा ना जा सके, अज्ञानी। और भिज्ञ होता है जानकार। आचार शब्द का विलोमार्थी शब्द होगा, इसका आंसर ए है, अनाचार। बहिर्मुखी शब्द का उचित विलोम होगा अंतर्मुखी। नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से है, इसका आंसर है सी, भृत्य। किस क्रम में सही पर्याय नहीं है? बाकी सब में सही पर्यायवाची दे रखे हैं, लेकिन जो दूध है उसकी पर्यायवाची गलत है। ये जल के पर्यायवाची है, नीर, जल और पावस। दूध के होते हैं शीर, गौरस, ये पर्यायवाची हैं दूध के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है? इसका आंसर है सी, नाहर। नाहर मतलब शेर होता है, बाकी सब हाथी के पर्यायवाची हैं। किस क्रम में सेना का पर्याय है? तो इसमें है डी, चमू, सेना का पर्याय। और इसका एक और होता है कटक। किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? इसका आंसर है डी, द्वार यानी कि दरवाज़ा। बाकी झरोखा, गवाक्ष और वातायन खिड़की के पर्यायवाची हैं। पुष्कर शब्द का अर्थ नहीं है, इसका आंसर है बी, जीविका। निम्न में से कौन सा लक्ष्मी का पर्याय है? इसका आंसर है बी, श्री। लक्ष्मी को श्री भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इसका आंसर है ए, यक्षराज यानी कि कुबेर। और बाकी सारे जो है इंद्र के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द वाणी का अर्थ नहीं देता? इसका आंसर है सी, रश्मि। वृत्ति शब्द का अर्थ नहीं है, इसका आंसर है बी, पुनरागमन। कौन सा शब्द शिव का अर्थ नहीं है? इसका आंसर है डी, शुद्ध। अगला है सही वर्तनी वाला शब्द है, तो उत्सव जो है वो बी वाला सही है, उत्सव ऐसे लिखेंगे। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? इसका आंसर है बी, नींबू। अगला है किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? तो इसके आंसर बी और डी दोनों है। इसमें प्राप्ति और पुष्टि दोनों सही हैं, और बिहारी और परीक्षा वो भी सही है। उस परीक्षा का मतलब होता है कीचड़, और अगर बड़ी ई की मात्रा है तो उसका होता है एग्जाम। सही वर्तनी शब्द है, इसका आंसर सी सही है, द्वंद, जो है ऐसे ही लिखेंगे। सही शब्द है अगला क्वेश्चन, इसका आंसर है ए, अन्वेषण। सही वर्तनी वाला शब्द है,
इसका आंसर होगा ए प्रतिवादी। शुद्ध वाक्य क्या है? तो इसमें हम पढ़ेंगे जब हमें पता चल जाएगा कि कौन सा शुद्ध है। से पहला एग्जाम्पल, तुलसी और सूर ब्रज भाषा और अवधी भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो इसमें पता नहीं चल रहा कि कौन कौन सी भाषा का श्रेष्ठ कवि है। तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो ये तुलसीदास जी अवधी के हैं और सूर जो है वो ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि है, इसे हमें पता चल रहा है। इसका आंसर यही सही है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। तो इसका आंसर फर्स्ट सही है, दादाजी की बीमारी चिंतनीय है। ये होगा दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। अगला है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका आंसर बी सही है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं, आप किधर को जा रहे हैं, आप कहाँ को जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, आप कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों में अशुद्ध भाग या त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई। तो एक गेंदे की माला नहीं होता, गेंदे की एक माला या गेंदे की माला पहनाई। नरेश को एक और लड़की हुई, तो नरेश को नहीं होगा, नरेश के होगा। कार्यालय में गंदगी रहने से कर्मचारियों की क्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अगला है, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, के लिए उपयुक्त लोकोक्ति होगी। इसका आंसर है बी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी कि सब लोग एक जैसे ही होना। कौन सा मुहावरा नहीं है? इसका आंसर है सी, पीला मुंह करना, ये कोई मुहावरा नहीं होता। लाल पीला होना यानी कि गुस्सा होना, सब्ज बाग दिखाना यानी कि झूठे झूठे ख्वाब दिखाना, और हरा ही हरा सूझना, ये सब मुहावरे हैं। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है, इसका अर्थ है कि चीज थोड़ी होना और चाहने वाले अधिक होना। अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का अर्थ है। इसका आंसर है सी, अयोग्य को अनायास उत्तम वस्तु मिलना, यानी कि जो व्यक्ति चीज के योग्य नहीं हो उसको अच्छी से अच्छी वस्तु मिल जाए तो उसे बोलते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। नेक्स्ट है, नेकी कर कुएं में डाल लोकोक्ति का अर्थ है। इसका आंसर है सी, भलाई कर भूल जाना चाहिए। अगला है, हंसा थे सो उड़ी गए, कागा भय दीवान, लोकोक्ति का अर्थ है। इसका आंसर फर्स्ट सही है, दुष्ट लोगों का शासन होना, यानी कि जो अच्छे लोग थे वो तो चले गए, अब दुष्ट लोगों का शासन हो गया है। तीन पांच करना मुहावरे का अर्थ है। बकवाद करना यानी ज्यादा बकवास करना, तीन पांच करना। अगला है, शैतान के कान कतरने मुहावरे का सही अर्थ है। इसका आंसर है डी, बहुत चतुर होना। पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ है, बचपन से ही समझदार होना। किस क्रम में मुहावरा है? तो दूर के ढोल सुहावने, ये एक मुहावरा है, बाकी सब लोकोक्तियाँ हैं कि ऊंची दुकान फीके पकवान, तीन लोग से न्यारी मथुरा, जो गुड़ खाए सो कांच दाए। किस क्रमांक में सही मेल नहीं है? इसका आंसर है डी, ऑनरेरी, इसका अर्थ होता है माननीय, और इसकी स्पेलिंग भी गलत है, RARY होगा ये। इनिशियल्स शब्द का सही समकक्ष शब्द है, इसका हिंदी रूपांतरण होगा लघु हस्ताक्षर। ह्यूमैनिटेरियन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है मानवीय। आप लोग मैच कर लीजिए अपने आंसर्स। कैडर शब्द के लिए हिंदी पारिभाषित शब्द होगा, कैडर के लिए है संवर्ग। चरम सीमा शब्द के लिए अंग्रेजी परिभाषित शब्द होगा जेनिथ। ग्रांट के लिए है अनुदान।
किस कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश कहलाता है? उसे बोलते हैं परिपत्र या सर्कुलर, जो एक साथ ही बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भेजा जाए, जो ऑफिस हैं उनमें भेजा जाए, तो उसे बोलते हैं परिपत्र या सर्कुलर। नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा आवेदन पत्र। विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम होता है सबसे नीचे दाहिने और राइट हैंड साइड में। कार्यालय पत्र के संदर्भ में असत्य कथन है, इसका आंसर बी सही है। पत्र शीर्ष कागज के ऊपर दाएं कोने में, शीर्षक जो है वो बीच में लिखा जाता है, कोने में नहीं लिखा जाता। डोंट हेट एन ईविल पर्सन, हेट ईविल वाक्य का हिंदी रूपांतरण होगा, इसका रूपांतरण है बुरे व्यक्ति से नफरत नहीं, बुराई से नफरत करो। ईविल मतलब होता है बुराई, ये सीधा सीधा सा ट्रांसलेट हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमें काम करना है, तो वी हैव टू वर्क। ये जो है फर्स्ट 100 क्वेश्चन जो हैं पूरे हो गए हैं हिंदी के। नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश के क्वेश्चंस देखेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए, और आंसर्स ज़रूर चेक कर लीजिए अपने। कल जो वीडियो अपडेट किया था ये उसके आंसर्स हैं, जो टेस्ट सीरीज अपडेट की थी। थैंक यू।